गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आपको ए एन का यूज पढ़ाया था कि ए का यूज और एन का यूज हम कहाँ करते हैं। तो आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं, इसमें आज मैं आपको यूज ऑफ दिस और दैट पढ़ाऊंगी। दिस और दैट का यूज हम लोग कब और कहाँ क्या करते हैं, किसका करा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा, सबसे पहले दिस और दैट के लिए मैं आपको कुछ तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस और दैट का हमेशा यूज दूरी को समझाने के लिए किया जाता है। यानी कोई चीज, कोई थिंक है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, उसकी दूरी हमसे क्या है, वो हमारे पास है या हमसे दूर है। दूसरी चीज कि हम लोग दिस का यूज हमेशा पास की चीजों के लिए करते हैं, जो चीज हमारे बिल्कुल नियर होती है, यानी पास में रखी हुई होती है, चाहे पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति है, पास में पड़ी हुई कोई चीज है, या पास में रखा हुआ कोई फ्रूट है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। इसी तरीके से कोई वस्तु, कोई प्लेस, कोई एनिमल, कोई पर्सन अगर हमसे दूरी पर है तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो ये तीन रूल्स है जिसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस और दैट का यूज कहाँ किया जाता है, दूरी को समझाने के लिए किया जाता है कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जो है उसकी हमसे दूरी क्या है, यानी वो हमसे दूर है या पास है। दिस का यूज पास रखी हुई चीजों के लिए किया जाता है और दैट का यूज दूर रखी हुई चीजों के लिए किया जाता है। यहाँ बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं बच्चों, जिसको आप देखेंगे। यहाँ देखिए, फर्स्ट है, दिस इज अ मैंगो ट्री, यह है एक आम का पेड़ है। यहाँ मैंगो का पेड़ हमसे पास है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, दिस। दिस इज अ मैंगो ट्री, ये आम का पेड़ है। दिस यानी यह है, दैट यानी वह है, ठीक है। दिस यह है आम का पेड़ है। दिस इज अ कप, ये एक कप है। दिस इज अ काइट, ये एक पतंग है। दिस इज अ बॉल, ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज अ बी, वह मक्खी है। दैट इज अ बी, वो एक मधुमक्खी है। दैट इज अ बैट, ये एक बल्ला है। दैट इज अ हट, ये एक झोपड़ी है। समझ में आया आपको, यानी जो चीजें या जो भी वस्तु, प्लेस, एनिमल, जो थिंग, कोई पर्सन अगर हमारे बिल्कुल निकट है तो हम वहां दिस का यूज करेंगे। अगर कोई प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग हमसे दूरी पर है, हमसे दूर है, तो हम वहां दैट का यूज करते हैं। तो दिस का अर्थ होता है ये है और दैट का अर्थ होता है वह है। तो बच्चों, बोर्ड पे दिए गए एग्जांपल्स जहाँ मैंने आपको दिस और दैट का यूज करते हुए बताया है, इनको आप अच्छे से देखेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे कि कहाँ हम दिस लगा रहे हैं, कहाँ हम दैट लगा रहे हैं। आप भी सेम पिक्चर्स बनाने के बाद, पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद दिस और दैट का यूज करके सेंटेंस के द्वारा बताएंगे। तो आप कॉपी में अभी दिया गया वर्क अपनी कॉपी में कीजिए और इनको लर्न भी कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।